यह लड़ाई किसानों के हक की या राजनीतिक षड्यंत्र की? आंदोलन का चूल्हा राजनीति की रोचक, सरकार गिराने की कीमत 10 करोड़, किसान आंदोलन में राजनीति, विदेशी फंडिंग के दम पर साजिश, फंडिंग से हो रहा किसान आंदोलन का खर्च, किसान आंदोलन को बनाया जा रहा मौका, आखिर देश के अन्नदाता को कौन भड़का रहा? क्या किसानों का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल? किसान आंदोलन को कर रही राजनीतिक संस्थाएं प्रायोजित, प्रदेश सरकार को गिराने की गई डील, किसान आंदोलन की आड़ में अपनी जेब तो नहीं भर रहे चड़ून? नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। दिल्ली में पिछले 1.5 माह से चल रहे किसान आंदोलन के बीच सक्रिय एक किसान संगठन पर विदेश से फंडिंग के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर अब सरकार की पैनी नजर इस संगठन पर है। विवाद नहीं सुलझा तो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनकारियों का शक्ति प्रदर्शन होगा। ANI राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किसान आंदोलन से जुड़े कई नेताओं को विदेशी फंड लेने के मामले में समन जारी किया है। इसमें लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी को चलाने वाले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा सहित पंजाब के लोक गायक भी हैं। अब ऐसे लोगों का कहना है कि विदेशी फंड लंगर के लिए प्राप्त हुआ है। सब जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर 1.5 माह से बैठे लोगों में पंजाब के नागरिक ज्यादा हैं और धरनास्थल पर लंगर व्यवस्था भी चल रही है। यहां तक कि जब 40 यूनियनों के प्रतिनिधि सरकार से वार्ता करने जाते हैं तब भी किसी संस्था द्वारा भेजे गए लंगर का ही उपयोग होता है। पंजाब में लंगर व्यवस्था गुरुद्वारों से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विदेशों से चंदा प्राप्त होता है। पंजाब में लंगर व्यवस्था से जुड़ी संस्थाएं ही अब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। ऐसे में किसान आंदोलन में विदेशी फंड के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा देश देख रहा है कि धरना स्थल पर मसाज पार्लर से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में धन की आवश्यकता भी अधिक है। अब यही जानना है कि किसान आंदोलन में विदेश से कितना पैसा आया है। सवाल यह भी है कि क्या कोई आंदोलन विदेशी फंड से चल सकता है? यदि ऐसा है तो फिर यह देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में तो कोई भी दुश्मन देश फंडिंग कर देश में अराजकता फैला सकता है। भारत में अराजकता फैलाने के लिए पाकिस्तान और चीन तो तैयार बैठे ही हैं। भारत के नागरिकों, खासकर पंजाब के लोगों को विदेशी ताकतों की इन साजिशों को समझना चाहिए। पिछले 1.5 माह से देश की राजधानी को घेरा गया है। दिल्ली आने वाले प्रमुख मार्ग जाम है। इससे दिल्ली वासियों सहित बाहर के आने जाने वाले सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने अभी तक धैर्य दिखाया है। जो लोग दिल्ली को घेर कर बैठे हैं उन पर कोई सीधी कार्यवाही नहीं की गई। सरकार 3 कृषि कानूनों पर लगातार वार्ता कर रही है। अब 10वें दौर की वार्ता भी 19 जनवरी को होनी है। यहां आपको बता दें कि आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजे गए हैं। इससे खफा किसान संगठनों ने कहा कि उनसे जुड़े कोई भी नेता या कार्यकर्ता NIA के सामने पेश नहीं होगा। बता दें कि 19 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 10वें दौर की बैठक होनी है। सरकार कई बार कह चुकी है कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि इन कानूनों से किसान खुशहाल होंगे, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच दलालों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का लागत से अधिक दाम मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं को दर पर माल मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पड़ रहे हुए हैं।
अब आंदोलनकारियों की ओर से घोषणा की गई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जब दिल्ली के राजपथ पर देश की सेनाओं की परेड होगी तब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, यानी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश होगी। सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम देश की आजादी और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। क्या देश की आजादी से जुड़े कार्यक्रम को बिगाड़ना उचित है? स्वाभाविक है कि देश के नागरिकों के सम्मान के खातिर सरकार ऐसे ट्रैक्टर मार्च को रोकने की कोशिश करेगी। तब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच शक्ति प्रदर्शन होगा। विदेशों में बैठे भारत विरोधी तत्व तो चाहते ही हैं कि आंदोलनकारियों और सुरक्षा बलों में भिड़ंत हो जाए। अब इस आंदोलन को भड़काने में एक नया नाम सामने आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जिन पर आंदोलन को भड़काने के कई आरोप लगे हैं। आरोप लगने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया है। सूत्रों की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्य कमेटी से भी चढ़ूनी को निलंबित किया गया है। उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से भी बाहर रखा जाएगा। आरोप है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता ने हिस्सा लिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया है। रविवार को मीटिंग में चढ़ूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने, कांग्रेस समेत राजनेताओं को बुलाने, दिल्ली में सक्रिय हरियाणा के कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप था कि वह कांग्रेसी टिकट के बदले हरियाणा सरकार को गिराने की डील भी कर रही हैं। चढ़ूनी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता शिव कुमार काका ने बताया कि बैठक में मोर्चा के सदस्य उन्हें तुरंत मोर्चे से निकालना चाहते थे, लेकिन आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो 20 जनवरी को रिपोर्ट देगी। उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। आंदोलन के दौरान पहली बार संयुक्त मोर्चा की बैठक में किसानों में फूट नजर आई। बता दें कि इन आरोपों के बीच ही भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी की सदस्यता को छोड़ दिया था। याचिकाओं से इतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी पहली बैठक की तारीख फिक्स कर ली है। 19 जनवरी को कमेटी पहली बार बैठक करेगी। किसान आंदोलन की आड़ में पैसों की उगाही व राजनीतिक पार्टियों से सांठ गांठ के मामलों में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहली बार नहीं फंसे हैं। उनके द्वारा रिश्वत लेने व उगाही की जांच चल रही है। वे आंदोलन की आड़ में पैसे का खेल खेलने से बाज नहीं आते। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी द्वारा पिडाकली शुगर मिल करनाल के अफसरों पर 1 लाख की रिश्वत देने के आरोप लगाने के बाद से भाकियू की सियासत गर्मा गई थी। यह मामला करीब 2018 का है। भाकियू के दूसरे गुटों ने 1 माह बाद इसका खुलासा करने को लेकर गुरनाम सिंह पर ही सवाल उठाए थे। आरोप था कि गुरनाम की मिल प्रबंधक के साथ आंदोलन खत्म कराने को लेकर डील हुई थी, जबकि डील सिरे नहीं चढ़ी तो गुरनाम ने यह खुलासा कर दिया था। वहीं गुरनाम को पैसा लेने की बात लीक होने का डर सता रहा था। इस मामले में भाकियू नेता रतन मान और गुनी प्रकाश गुटों ने चढ़ूनी के खिलाफ मोर्चा खोला था। पिकाटली मिल अधिकारी गुरनाम को पैसा देने की बात को सिरे से नकार रहे थे। वहीं इस मुद्दे को लेकर मिल में पंचायत बुलाई गई, जिसमें भाकियों के सभी गुटों को बुलाया गया ताकि बात आमने सामने हो सके। इस मुद्दे पर पड़ताल की, सभी पक्ष से बात की। इसके बाद इंद्री हलके के किसानों ने पिकाटली मिल भादसों द्वारा गन्ने की पेमेंट ना करने पर 18 सितंबर को धरना शुरू किया था। इसमें भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी भी शामिल हुए। धरना 11 दिन चला। 29 सितंबर को इस आश्वासन पर खत्म किया गया कि मिल प्रबंधक 31 अक्टूबर से रोज 1 करोड़ की
पेमेंट किसानों को करेगा। मिल ने इस बार करीब 225 करोड़ भुगतान करना था, इसमें से अब करीब 13 या 14 करोड़ बाकी हैं। गुरनाम सिंह ने आरोप लगाया कि मिल अधिकारी रामपाल ने आंदोलन न चलाने के लिए 9 अक्टूबर को उसे 1 लाख रुपए शाहबाद में दिए। यह खुलासा 9 नवंबर को मिल में हुई पंचायत में किया गया था। गुनी प्रकाश और रतन मान गुट से सलाहकार मान सिंह ने कहा कि तभी क्यों नहीं खुलासा किया गया, तभी पुलिस में शिकायत करते या रंगे हाथों पकड़वाते। यह गुरनाम की अफसरों से डील थी, यही चर्चा है कि डील 20 लाख में हुई जो कि बाद में पूरी नहीं हुई। गुनी प्रकाश ने कहा कि इस दौरान 3 बार पंचायतें भी हुई, तब भी खुलासा नहीं किया। 15 नवंबर को पंचायत में गुरनाम ने माना कि मिल से खर्च लिया गया, बताया कि 25,000 रुपए के हिसाब से खर्च मिल पर डाला गया। यह पैसा ना उन्होंने और ना दूसरे किसी पदाधिकारियों ने लिया, पैसा समिति के खाते में गया। अब आप सुनिए कि चडूनी ने सस्पेंड होने पर क्या कुछ कहा। पास कोई मैसेज नहीं है, मेरे को उसके बारे कोई ज्ञान नहीं है, और हमने जो भी किया है वो इन तीनों जो कानून हमारे खिलाफ बने इनको और ज्यादा मजबूती से सरकार के विरुद्ध उठाया जाए, उसके लिए प्रयास किए और वहाँ मैं अकेला नहीं था, 10 लोगों की कमेटी है वहाँ। आइए सुनवाते हैं आपको किसान नेता शिव कुमार कक्का ने गुरनाम चडूनी पर क्या कुछ कहा। सस्पेंड मैं थोड़ी करता हूँ, कमेटी करती है और कमेटी का दबाव आता है, बहुत बड़ी कमेटी है जिसमें सारे संगठन आते हैं, मैं तो केवल अध्यक्षता कर रहा हूँ। सारे संगठनों ने एक स्वर में कहा कि इनको अविलंब टर्मिनेट किया जाए और बाहर किया जाए। उनको एक दिन पहले समझाया गया था कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वहाँ मालवंकर हॉल में सभी विपक्षी जो दल थे वो कांग्रेस सहित, उनकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोगों को उन्होंने कहा था कि वांछित दूरी बनाई जाएगी, आप वांछित दूरी नहीं बना रहे हैं। दल्लेवाल जी ने, राजेवाल जी ने उनको जाने के पहले एक दिन पहले समझाया था कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, नहीं माने वो। ऐसे कई चीज़ों को नहीं माने, कई चीज़ों को ओवरलुक किया, पर कल जब उन्होंने सीमाएं सब पार कर दी, इस बैठक को महत्व नहीं दिया और दलों के साथ बैठ के बैठक ली दिल्ली में, तब हम लोगों पर दबाव आया कि एक्शन तत्काल लिया जाए। तो हमने फिर भी कहा कि अभी एक्शन सस्पेंड कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी निर्णय ले लेगी, वो सबको मालूम होगा। अब जो कुछ तय करना है कमेटी को करना है। इस देश में कोई विचारधारा बची है क्या? कौन कहता है विचारधारा बची है? कुर्सी के लिए सारी विचारधारा है समाप्त हो चुकी है। कहा कल ही क्यों कहा? क्योंकि कल उन पर एक्शन हुआ है। जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होती है, कोई खास बात नहीं है। ये उनकी बुद्धि के पता रहता है कि आप खुद उल्टे काम करेंगे, संगठन संयुक्त मोर्चा के विपरीत जाएंगे, आपको रोका जाएगा, आप पे एक्शन लिया जाएगा, तो आप आरएसएस के हो जाएंगे। चडूनी पर लगे 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। कि हमारी अपेक्षा है कि हमको केंद्र सरकार की ओर से मिले, ऐसा हमने विषय रखा। सर, आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की गुरनाम सिंह चडूनी ने 10 करोड़ रुपए लेकर और साथ ही साथ कांग्रेस के टिकट की एवज में, ऐसी खबरें हैं। देखिए, अब ये जो काली करतूते हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूं। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी और ये जो उच्छेद खंडे, ये अंदर अंदर पहले भी कुछ न कुछ करते रहे हैं लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं ना आगे होंगे। करनाल में किसानों को भी भड़काया सर, हिंसा के लिए उनको भड़काया। मैंने बताया कि ये जिस प्रकार की हरकतें, मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसी हरकतें इनकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपना बहुत धैर्य से, बहुत संयम रख करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए हम हर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और हम किसी भी कदम के ऊपर, ऐसा नहीं कि अपना कोई हम लूज करेंगे अपना टेंपर। हमें भी पता है कि समाज के अंदर सब चीजों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए विशेष योजना हम बनाते भी हैं और हम इनका मुकाबला उसी तरीके से करेंगे। वो चोरी छुपे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलते रहे, अब उनको मैंने बताया कभी संगठन से उनको सस्पेंड कर दिया। कामयाब नहीं होंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, जनता में भी एक्सपोज होंगे, कांग्रेस भी एक्सपोज हो रही है साथ में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब के दर्जनों समेत अन्य हिस्सों में शामिल किसान संगठनों का एक समूह है, इसी बैनर तले किसानों का आंदोलन चल रहा है।
कृषि कानून के खिलाफ किसानों की जंग जारी है और आज एक बार फिर यह मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया और दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर से यह मामला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हजारों किसानों को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक सरकार और किसानों में 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कई मसलों पर सहमति बनी है, लेकिन अब किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इस पर देश की निगाहें हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.